जो अभी धूम मचा रहा है वो यही पराठा है, श्री गणेश स्पेशल पराठा। स्टफिंग में कोई कंजूसी नहीं है, अब चीज की क्वांटिटी चेक करो, पूरा भर भर के डाला है। अरे ये तो लगभग 1 किलो होगा। ये हमारा स्पेशल पराठा है तो स्पेशल तो खिलाना ही पड़ेगा ना। 1 किलो का अब ये परौंठा होगा ही होगा ना। हाँ भैया की मतलब भाभी जी मायके गई है तो फिर शाम तक तो कुछ करना पड़ेगा ना। बचपन से मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं 5 साल की तब से यहाँ पे हूँ। पहले मैं पानी बेचा करती थी, मेरा यहाँ पे 50 पैसे में ग्लास जाता था पानी का, गुजरात यूनिवर्सिटी पे। अभी मेरी 35 साल की उम्र है, फिर मेरे पापा ने मुझे आइडिया दिया कि पानी ये गल्ला है, इसमें कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है। मेरे पापा कुक है, मतलब उनको सब वेरायटी आती है, आलू पराठा से लेके नॉन वेज से लेके सब कुछ आता है। उन्होंने मुझे सिखाया सब, फिर मैंने यहाँ पे ये बिजनेस 10 साल से शुरू किया है। और ये जो हमारा राजस्थान से मसाला वसाला सब आता है, हमने पराठे में सब मिक्स करके सबको खिलाया है। सब लोग ने वहाँ बोला है कि बहुत अच्छा बनाते हो आप लोग। तो भाई साहब ये बन रहा है चीज चिली पराठा, जिसके लिए सबसे पहले शिमला मिर्च आ गई बाउल में, और ये आ चुका है धनिया नचोड़ के, और ये आ गया धनिया, ये जीरा डाला, स्वाद अनुसार नमक आ गया, ये गरम मसाला सीक्रेट जिसमें सारी रहती है चीजें वो, ये मिर्ची पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये और ये हल्दी आ गई, काली मिर्ची पाउडर। तो कम से कम 10 से 15 तरह के मसाले इसके बीज में जाते हैं। और ये क्या है? तिल, ये आदू पेस्ट, लहसुन पेस्ट है, और ये हमारा सीक्रेट है जो नहीं बताएंगे आप। और ये देखो अब चीज की बारिश होगी। ओहो भाई साहब अल्टीमेट, और अहमदाबाद में आया तो चीज की बारिश तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी आपको। और ये देखो मिक्स 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 कर रहे हैं, ये चेक करो भाई साहब। और ये आटे की लोई ले रही है बड़ी सारी, कम से कम 10 से 12 इंची का ये परोंठा रहने वाला है, और एक परोंठा सफिशियंट है आपकी भूख मिटाने के लिए। और ये देखो भर भर के अब ये देखो स्टफिंग आ चुकी है, वो अल्टीमेट। तो आपको स्टफिंग में कोई कंजूसी नहीं मिलेगी, और एकदम भर भर के स्टफिंग डाली गई है, ये चेक करो। और अब ये परोंठे को अच्छे से पैक कर दिया गया है साहब। और भाई साहब साइज चेक करो परोंठे का, और ये मुझे लग रहा है एक परोंठा सफिशिएंट है यार एक बंदे के लिए। कितने रुपए का ये परोंठा है? 130 का है। और ये देखो अब ऑयल आ चुका है, और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इस परोंठे की। और अगर आप दीदी के हाथ के परोंठे खाना चाहते हो तो इधर आ सकते हो। और ये देखो काटने का स्टाइल बड़ा अमेजिंग, ओह भाई साहब अल्टीमेट। और भाई साहब ये चेक करो, दोबारा से इसके ऊपर आ चुकी है चीज की बारिश, और परोंठे की थाली बनकर रेडी, और इसके ऊपर आ गया इनका स्पेशल मसाला। उस समय तो मतलब 50 पैसे में ग्लास बेचना, उस समय की बात मतलब आज से 20-25 साल पहले की बात, वो समय अलग था और आज का समय बहुत अलग है। तो मतलब जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, उस समय कुछ कम था, मतलब सस्ते में सब मिल जाता था, सब कुछ तो चलता रहता था। अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है सस्ते में, तो हमने ये बिजनेस शुरू किया है मेरा। ये मेरे पापा हैं, इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। ये हमारी भाभी है, हेल्प करने के लिए आ जाती है। जब से मेरे वीडियो वायरल हो रहे हैं तो पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप आते रहिए, और ऐसे ही मुझे आगे बहुत बढ़ना है, और आप खा के जाइए, और पराठा टेस्टी बनेगा, आपको बहुत मजा आएगा खाने में। ये स्पेशल पराठा है जो अभी धूम मचा रहा है, वो यही पराठा है, श्री गणेश स्पेशल पराठा। और आप सबको तो मालूम होगा कि इसमें मैंने कौन कौन सी वेरायटी डाली। इसमें डाला है मैंने केबिज, ऑनियन, धनिया, कैप्सिकम, चीज, पनीर, मिक्स वेज सब इसमें मैंने डाला है। और हमारी जो स्पेशल मसाले जो स्पेशल चीज़ें हैं वो भी इसमें मैंने डाली है। और ये हमारा जो आलू का मसाला है वो मैं अब डालने जा रही हूँ। तो ये श्री गणेश परोंठा बनने जा रहा है, तो स्पेशल स्टफिंग तैयार की गई है इसमें बहुत तरह सा। ये आलू पेस्ट डाल रही हूँ। आलू क्या होता है? अदरक। ये हमारा स्पेशल मसाला, हल्का सा जीरा, स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर, तो जो धनिया पाउडर आ चुका है। इसमें मैंने पनीर और चीज डाल दिया है, और आलू की स्टफिंग डाल दिया, और गोभी डाल दिया, कैप्सिकम डाल दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया। और ये श्री गणेश परोंठा बनने के लिए रेडी है। तो स्टफिंग अभी तैयार हुई है, इसके बाद अभी जो आटे की लोई उसको लेकर उसमें फिलिंग की जाएगी। श्री गणेश परोंठे की स्टफिंग बन चुकी है, ये चेक कर सकते हो। और परोंठे बनाने के लिए गैस चला दी गई है, और ये आटे का पेड़ा ले लिया गया परोंठे बनाने के लिए, ये चेक कर सकते हो। स्पीड चेक कर सकते हो दीदी की, और एक्सपीरियंस बोलता है इन हाथों में, ये चेक कर सकते हो। ये परोंठा लगभग 10 से 12 इंच का रहता है, पूरा एकदम स्टफिंग भर भर के डाली जाती है, ये चेक करो स्टफिंग आ चुकी है। स्टफिंग में कोई कंजूसी नहीं है, भर भर के स्टफिंग डाली जाती है। ओह भाई साहब अल्टीमेट स्टफिंग देसा तो भाई साहब बहुत ही अल्टीमेट। और चीज की क्वांटिटी चेक करो, अहमदाबाद में आया तो चीज तो आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई साहब लास्ट में चीज की स्लाइस भी रख दी। ये हमारा स्पेशल पराठा है तो स्पेशल तो खिलाना ही पड़ेगा ना। तो भाई साहब स्टफिंग में कोई कंजूसी नहीं है, पूरा भर भर के डाला है। अरे ये तो लगभग 1 किलो होगा। अरे कैसा लगता परोंठा? मेरी बीवी गई है मायके, तो मैं
लंच नहीं करूंगा, ये पराठा वो भी ले जाके खाऊंगा। और ये देखो परौंठे को अच्छे से बेल लिया गया हो भाई साहब। अरे एक किलो का ये परौंठा होगा ही होगा ना? हाँ भैया की मतलब भाभी जी मायके गई है तो फिर शाम तक तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ये एक किलो का परौंठा सफिशिएंट है। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और अंकल जी और दीदी ये मिलकर परौंठे बनाते रहते हैं। मैं तो गुजरात की हूँ भाई, मेरा जन्म मेरे पापा का जन्म यहाँ का है, हमारे परदादा राजस्थान में रहते थे, मूल स्थान हमारा राजस्थान है। मैं राठौड़ हूँ, परिवार है, आधा फैमिली वहाँ पे है, तो हम जाते हैं कभी कभार बाहर। जैसे त्यौहार होते हैं, जैसे हमारी होली होती है, हम जाते हैं कभी कभी मनाने के लिए त्यौहार। शुरुआत में हम लोगों ने पराठा जब चालू किया था तब कुछ मतलब नहीं चल रहा था, थोड़ा डाउन चल रहा था। चालू किया तो दो तीन दिन तक ऐसे मुझे नुकसान हुआ था। फिर जो विद्यार्थी है कॉलेज में आते हैं वो पहचानते थे, उन लड़कों ने मुझे सपोर्ट किया था कि एक बार आप पराठा बना रहे तो खाओ और देखो कैसा लगता है। तो उन लोगों को मैंने सब बना बना के खिलाया और उन लोगों ने ज्यादा सबसे जाके बोला कि भाई हमारे यहाँ पे मोहनी दीदी है, उसने पराठा चालू कर दिया है, अब यह सस्ते में भी मिले। मैं 30 रुपए में पराठा बेच रही थी तब, अब तो मेरा 60 रुपए का पराठा हो गया है, तो अभी मैंने 10 रुपए फिर से बढ़ा दी है। वो हमारा पराठा आलू पराठा होता है जो बटर वाला, वो अभी 70 रुपीज में हो गया है। मैं अकेली नहीं है, मेरे पापा को 5 लड़कियां है, मैं बड़ी हूँ सबसे, मेरे पापा के पास ही साथ ही रहती हूँ मैं, और पापा ने मुझे आगे ही बढ़ाया है, सिखाया आगे बढ़ा, बड़ो बड़ो आगे बढ़ो। ऐसी बात है कि हम राजस्थानी में छोटी उम्र में शादी हो जाती है, मेरी 19 साल की उम्र थी तब मेरी शादी हो गई थी। हर एक औरत का सपना होता है कि उसका पति उसका साथ दे और उसके साथ खुशियाँ बांटे, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये सब नहीं था। मेरा हस्बैंड था जो कभी मेरी बात नहीं मानता था, मतलब दारू पिए ये वो लुच्चे लफांगे, मतलब ऐसा सब काम करे कि जो मुझे अच्छा ना लगे और ना मुझे काम पे जाने दे, गुलाम बना के ऐसे कैद करके रखते थे। ऐसे 3 साल तक मुझे बहुत परेशान किया। फिर मैंने सोचा कि मैंने मेरे पापा ने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है और ये जो मेरा पति है वो मुझे कुछ काम वाम करने दे नहीं रहा है, घर के अंदर कैद रखता है, कहीं बाहर जाने नहीं देता है, ये तो एक बात का जुलम हो गया मेरे पे। फिर मैं मेरे मायके आई और मेरे पापा को मैंने बोला कि पापा मुझे आपने ये सब सिखाया है तो फिर ये लोग तो मुझे कुछ करने भी नहीं दे रहे हो, वो भी कुछ नहीं कर रहे। मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं अभी इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, तो मैंने डिवोर्स करवा दिया। मैंने फिर मेरे पापा ने और मेरी माँ ने मुझे हिम्मत दी। दुनिया में सबसे ज्यादा मम्मी पापा प्यार करते और दूसरा कोई प्यार नहीं करता, अपनी हिम्मत अपने पर खुद निकालो। माँ बाप प्रेम दे रहे तो अच्छा है, नहीं तो भगवान से प्रेम मांग लो, उससे प्रेम मांग के अपना काम कर लो। मेरे मन में कोई ख्याल व्याल नहीं आता है, बस हमेशा मैं खुश रहती हूँ। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि अच्छा हुआ उस आदमी से मेरा पल्ला छूटा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है क्योंकि उसने कभी प्रेम दिया ही नहीं मुझे, तो प्रेम भाषा में क्या जानूं। मैं तो इतना जानूं कि माँ बाप से बढ़ के कोई दुनिया में प्रेम नहीं है, मुझे वैसा प्रेम नहीं चाहिए जो जुल्म करके प्रेम करते, नहीं चाहिए ऐसा प्रेम। भगवान की माला जपो, सब कुछ आनंद हो जाएगा। अपनी इंद्रिया अपने कंट्रोल करना सीखो, कर सकते है। तो उबले हुए आलू आ चुके हैं और ये बनने जा रही है आलू की स्टफिंग, और आलू को फेंक दिया गया और भाई साहब ये देखो बनाने का स्टाइल। और ये लकड़ का क्या रहता है? ये डंडा है जिससे आलू को मैश करते हो, बाजार से मिल जाए। हमारे पंजाब वालों सीख लो इधर से गुजरात वालों से ये टेक्निक। और भाई साहब ये आ चुका है धनिया और ये बन रही है आलू की स्टफिंग, और ये आ चुका है जीरा पाउडर, और ये स्पेशल गरम मसाला आ चुका है, और ये व्हाइट टिल आ चुके हैं, और लाल मिर्ची पाउडर आ चुका है, स्वाद अनुसार नमक, और ये आ चुका है धनिया पाउडर, और ये पीली पीली हल्दी आ चुकी है, और ये आ चुकी है कसूरी मेथी, और ये देखो अदरक लहसुन की पेस्ट आ चुकी है, और इसको अब अच्छे से मिक्स 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 किया जा रहा है, ये चेक कर सकते हो। और ये भाई साहब लगभग स्टफिंग तैयार हो चुकी है, ये चेक कर सकते हो। ये क्या बन रहा है? श्री गणेश स्पेशल। और ये आगे कैप्सिकम, ऑनियन आ चुका है, और ये आ चुकी है गोभी, और ये आ गया धनिया, मेरा प्रिय मित्र धनिया, और ये आ चुका है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इधर क्या बोलते हैं इसको, आलू लहसुन पनीर भी आ चुका है, और आलू की स्टफिंग आ चुकी है, जिसके कारण ये परौंठा बहुत ही अमेजिंग और कीमती। कितना रेट है? 150। और ये 115 में गणेश परौंठा रहने वाला है, और भारी मात्रा में ये देखो स्टफिंग आ चुकी है। ओ भाई साहब स्टफिंग में कोई कंजूसी नहीं। और ये आगे चीज की बारिश, अहमदाबाद में आए हो तो चीज की बारिश तो आपको जरूर दिखने को मिलेगी ही मिलेगी। और जो परोठे को पैक कर दिया गया है,
और ये अब आलू चीज परोंठे की तैयारी होने वाली है, ये चेक करो। तो सभी में से स्पेशल इनका गणेश परोंठा है, बट अब बनने जा रहा है आलू चीज परोंठा। तो सबसे पहले पेड़े ले लिए गए, तो ये सबसे पहले आलू की जो स्टफिंग है वो चेक करो, आ गई है परोंठे के ऊपर। और स्टफिंग जो सी मर्जी ले लो, कंजूसी कोई नहीं करते। और आलू के बाद आ चुकी है चीज की बारिश। तो सभी परोंठे में लगभग बारिश होती रहती है चीज की, और ऐसे लगातार परोंठे बनते जाते हैं, ये चेक करो। अगर इसमें 10-5 रुपए मुझे मिलेंगे तो मेरे दिल को खुशी है, लेकिन ग्राहक को तो मैं जी भर के खिलाऊंगी। मुझे ना देखे तो ग्राहक बोले कि उनको ही लाओ, ऐसा मुझे सबको बना के खिलाना है। आलू चीज परोंठा फुल भी जाता है, ये चेक करो। ओह भाई साहब, ये चेक करो, पूरा चीज टफिंग बार आ गया, देखो कितना चीज डाला। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, काटने का स्टाइल देखो, स्पीड चेक करो। और ये स्पेशल मसाला आ गया दीदी का, आलू चीज की चटनी डालने जा रहे हैं हम। ये लहसुन वाली चटनी है, इसमें जीरा वीरा तड़का लगा के हम ये चटनी बनाते हैं। ये दही है, अमूल का दही। ये ग्रीन चटनी है, जिसमें हम सींग, पुदीना, धनिया, जीरू, हरी मिर्ची और काजू सब मिला के इसमें हम डाल के बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ये प्लेट तैयार है, जिसमें दही और दो चटनी डाली गई है, एक मीठी और इमली। एक परोंठा और लग गया भाई साहब। और भाई साहब दोबारा से चीज की बारिश हो चुकी है। ओहो भाई साहब, अमेजिंग। ये हमारा श्री गणेश स्पेशल पराठा, ये आलू चीज पराठा है, जिसे आपको बटर में बना के उसको थोड़ा सा कड़क सॉफ्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा क्रंची बना के खाना है, बहुत अच्छा लगेगा आलू चीज। यहाँ पे हम लोग सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक का है टाइम, लेकिन स्टार्टिंग मेरा 8 बजे हो जाता है, लेकिन सब माल सामान बनाने में मुझे 9 बज जाते हैं। लोकेशन गुजरात यूनिवर्सिटी LD कॉर्नर, उसके बगल में जो खाऊ गली बोलते हैं इसको, यहाँ पे हमारा ये ब्रांच है श्री गणेश परोठा हाउस। और ये देखो थोड़ा सा परोठा ले लिया, और हम ट्राई करते हैं परोठे को। और ये ऊपर आ गई पुदीना चटनी, काजू भी इसमें डाला गया, और इसमें सिंग दाना भी डाला गया, और इसको हम ट्राई करते हैं। एकदम क्रिस्पी है, और बाइट लेते सारी आपको ना गार्लिक का फ्लेवर आएगा, विद थोड़ा सा मिंट का फ्लेवर आएगा, बहुत ही अल्टीमेट। और थोड़ा सा, और अगर आप स्पाइसेस कम पसंद करते तो दीदी को कह देना कि हमें स्पाइसेस कम डाल के देना। परोठे खाने आए दीदी के पास, बहुत ही अच्छा टेस्ट है परोठों का। चटनियां बहुत अच्छी है दीदी की, मोमोज वाली चटनी लग रही है जैसे, टेस्ट वैसा ही है सेम। और साथ में पुदीने की चटनी और दही, तीनों को कॉम्बिनेशन से परोठा बहुत टेस्टी बन जाता है। आप जरूर आइए यहाँ पे, ट्राई करिए परोठे एक बार। तो बात करूँ ये प्लेट की, ये रहने वाली 120 रुपए में, और आप आकर इनका ये चीज परोठा ट्राई कर सकते हो, जो की बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही लाजवाब है। और एक परोठा मेरे ख्याल से सफिशियंट है एक बंदे के लिए। तो हम तो दो लोग हैं, हम दोनों लोग मिलकर इस परोठे को फिनिश करते हैं। और आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खाने के शौकीन है, और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हौसला जिंदा वादा रहे, पंजाब ते हिंदुस्तान से सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल।